मैं तो इतना गरीब था जी, मारे घर जाके जो खुद जी लाशी पी है जी, सारी गली वाले ने बड़ा चंबा मना, ओ रो 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 रो, ये इतने बड़े आदमी और अपने गरीब गली में आए गए जी, बड़ी खुशी हुई थी जी। हाँ जी, असली उत्सव नहीं जी, मारा तेल के पूड़े बांटे थे जी। ए भगवान शुद्ध बुद्धि दो, हाँ, और जैसे पहले एकता थी, पहले प्रेम भाव था, पहले रहन रहन था, वैसे हो जाओ जी, हमारी ये भावना है जी। मैं कह यू चौधरी रणजीत सिंह जो देवीलाल की पीठ में छुरा घपोया है के लिए नीतियां चौधरी देवीलाल की थी, चौधरी देवीलाल की नीतियां की वजह से आज हमारे बुजुर्ग चाहे 80 साल का हो 85 साल का हो चोरी छाती करके चलता है, क्योंकि बिना उसकी जेब में जो 3500-3000 जो आ रहे नहीं वो चौधरी देवीलाल की देन है। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो पगड़ी यहाँ की शान मानी जाती है, और पगड़ी जब सिर पर हारी हो तो बड़े बुजुर्गों को देख करके ये कहा जा सकता है कि इनेलो के वो कर्मठ कार्यकर्ता है जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ भी कार्य किया होगा। पहले मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जिनके सिर पर हरी पगड़ी जच रही है। हरी पगड़ी, पहले जिस प्रकार से मैं बोल रहा था कि हरी पगड़ी ही नहीं, पगड़ी हरियाणा की शान है, और हरी पगड़ी का जहाँ जिक्र आ जाता है वह इनेलो पार्टी का जिक्र आ जाता है, चौधरी देवीलाल का जिक्र आ जाता है और उनकी विचारधारा का जिक्र आ जाता है। ये जो बुजुर्ग हैं इनसे जान लेते हैं कि आज यहाँ जो जिला कार्यकर्ता के लेवल की एक मीटिंग रखी गई है, अभय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इनका कैसा संघर्ष रहा है, कितने साल से इनेलो पार्टी को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव सिसाई है जी। सिसाई से, नाम क्या है आपका? नाम देशराज है जी। ताऊ जी, आपने वो जमाना भी देखा होगा जब चौधरी देवीलाल के साथ काम करते थे, और आज का जमाना भी देख रहे हैं, तो किस प्रकार का आपने देखा, कैसे संघर्ष किया देवीलाल जी ने इस पार्टी को बनाने के लिए, चलाने के लिए? ऐसा है जी, हम तो चौधरी देवीलाल के साथ पैदल जाया करते जी, और खुद चौधरी साहब हमारे साथ पैदल चलिया करते। उस टाइम इतना साधन नहीं था जी, कच्चे रास्ते होते थे, आप विश्वास नहीं करोगे, चार चार पांच पांच कोस हम पैदल जाया करते जी। इतना संघर्ष कराया था हमने, बहुत ज़्यादा जी, समझ गए जी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है जी, चौधरी देवीलाल ने गरीबों को ज़्यादा मदद करी, गरीबों को तो इतने मदद करी, उन्होंने छाती के लाए जी। हाँ जी, मैं तो इतना गरीब था जी, हमारे घर जाके जो खुद उन्होंने लाशी पी है जी, मैं ना ही हूँ जी, समझ गए जी। बोला भाई छोरे तेरे तो घर में चल लूंगा, तो मेरा गल्ला रहो हर टाइम, मतलब कभी भी उन्होंने जात पात को माना ही नहीं। ना जी, ना, ना, वो गरीब का गल्ला रहे हैं जी, गरीब के साथ। हाँ जी, दूसरी बात बेरोजगारी में उनकी बहुत ध्यान दिया जी, जो भी बेरोजगारी देखा नहीं उनको बहुत रोजगार दिए जी। अच्छा, फिर बुजुर्गों का उनकी बड़ा मान सम्मान कराया जी, पेंशन उनकी बना दी जी, रोजगार सही बन गया जी। ये मारे बूढ़े थे जी, पेंशन में गुजारा करा दे, और तो कोई साधन था को नहीं जी। हाँ जी, हमारे लिए तो जो भगवान है जी, भगवान। हाँ जी, तो आपके जीवन का कोई ऐसा वाक्य आपको याद आता हो जो चौधरी देवीलाल जी के साथ बड़ा खास रहा हो? खास घटना, हाँ, कहीं साथ मिलना चलना किसी जलसे जुलूस में, कोई ऐसी घटना आपके जीवन की खास जो आप मानते हो? खास मैंने बता दी, हर जलसे में हम साथ रहे उनके जी, समझ गए जी, जहाँ जहाँ भी गए हम उनके इकट्ठे रहे गए। अच्छा, रही बात विशेष बात, वो ग्रुप में थे सिंचाई में जी, मीटिंग थी मतलब। अच्छा, उस टाइम मैंने कहने लगे भाई, मैंने तेरे को कहा था चल तेरा घर चल लेंगे, वो मेरा घर खुद आए हैं जी, चौधरी देवीलाल जी हमारे खुद आए जी, सारी गली वाले ने बड़ा चंबा मना, ओ रो 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 रो, ये इतने बड़े आदमी और अपने गरीब गली में आए गए जी, बड़ी खुशी हुई थी जी। हाँ जी, असली उत्सव नहीं जी, मारा तेल के पूड़े बांटे थे जी उस टाइम जी, मतलब इतनी खुशी आप लोगों को, इतनी खुशी हुई थी जी। गुड़ की बड़ी मानता हुआ करती उस टाइम जी, बड़ी मिठाई गुड़ की हुआ करती जी, यानी कि मीठे तेल के पूड़े बांटे थे गली में, खुशी में कि खुशी देवीलाल अपने घर आ गए, हमारा घर आ गए चौधरी देवीलाल जी, इससे बड़ी खुशी हमारे को नहीं हुई जी। तो चौधरी देवीलाल ने एक पार्टी बनाई इनेलो पार्टी, और बहुत खून पसीना लगा करके उसको सींचा, कहीं कहीं अब जा करके पिछले कुछ समय से वो पार्टी दो फाड़ में फट गई, दर्द होता है क्या? दर्द तो जी बस सुना जी, बस आई समझ में, उन इतनी मेहनत करी थी जी, और हम उनका गला लग गया जी, दर्द के ना गाने पूछो जी, बस हमारा कया को नंदा जी, बस समझ गए जी, तकलीफ है आज इन बहुत ज़्यादा, हमारी तो आत्मा दुख पावे जी। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं कि ये परिवार दोबारा एक हो जाए? तो सर, तो यही प्रार्थना करा जी, हे भगवान शुद्ध बुद्धि दो, हाँ, और जैसे पहले एकता थी, पहले प्रेम भाव था, पहले रहन रहन था, वैसे हो जाओ जी, हमारी ये भावना है जी। हाँ जी, तो आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज भी देखा होगा, अभय सिंह जी के साथ भी अब काम कर रहे हैं। अभय सिंह जो जी नुकनु जी जी जो चौधरी देवीलाल थे ने जी, वो उनका रूप है जी, स्वरूप, इनका कोई मीन पे
बिल्कुल भी फर्क नहीं जी, क्या कोई फर्क नहीं लगा। नू एक है जी, इतना शील सेवा के नौजवान होते हुए भी मैंने कहूँ ऊँ तक और पूछा नहीं, आज का टाइम को देखते हुए, आज का खान पान को देखते हुए, रहन सहन को देखते हुए, आप विश्वास नहीं करोगे उनसे भी नर्म सहनशील है जी। चलो ताऊ जी से बहुत बातचीत की हमने, आप दूसरे बड़े बुजुर्ग बैठे। ताऊ जी आप कहाँ से आए हैं? शिशाई। क्या नाम है आपका? सुरजवान। सुरजवान ताऊ जी, आपके साथ भी चौधरी देवलाल जी आपका काम किया होगा आप लोगों ने पार्टी के लिए, तो क्या यादगारें हैं आपकी? यादगारें देख तो पैदल यात्रा करी थी दिल्ली में, आंसू गैस के घोड़े छोड़े गए थे, वो भी देखे हैं। उनती भी हम फिर अच्छी सुविधा दी, आखो पट्टी लाओ, पानी तो छपके मारो, ये सारे उसके संघर्ष के काम माम काम करो। आज देवलाल परिवार की बात करें तो पार्टी दो हिस्सों में बट गई है, तो बड़े बुजुर्गों को आज भी दर्द होता है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है, एक हो जाओ तो अच्छा है, नहीं तो ये दुर्भाग्य की बात है। अगर हम ही लोकसभा की बात करें, लोकसभा में तीन परिवार, एक परिवार से तीन लोग आने की उम्मीदें हैं हिसार में। रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी से आ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी से भी अभी ये कहा जा रहा है कि नैना चौटाला आ जाएंगी, और इनेलो पार्टी से भी सुनैना चौटाला की चर्चा है कि वो चुनाव लड़ेंगी। तो एक परिवार से तीन लोग आकर के वोट मांगे कि आपको नहीं लगता कि वो धड़ों में बढ़ चुके हैं? बटे तो गए जी, ये तो सुंदर बटे तो गए, लेकिन हम तो जो देवीलाल के संघर्ष जैसे अभय चौटाला कर रहे हैं, हम तो उससे के साथ है। आपकी वो विचारधारा उन्हीं के साथ है। तो अभय जी का कार्य कैसा लगता है आपको, मिलना जुलना बातें? बहुत बढ़िया लगता है, हम कई बार मिल लिए जुल लिए, सारा सर सारा सौदा मिल लिया, बहुत बढ़िया है। तो और आपकी कोई ऐसी याद हो जो आपको लगता हो कि देवीलाल के साथ काम करने की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम करने की अच्छी यादें कोई? तो यादें तो जी सारी ये हैं, फिर गेड़ा लग गए जिनकी दो फाड़ होना, हमें इस चीज का बहुत दुख है, दर्द है आज भी, दर्द है। चलिए, और हमारे साथ फोन पे हैं सर, कैसा अनुभव कर रहे हैं आज पार्टी की कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग है क्या? ये कार्यकर्ता बहुत बढ़िया जोश और उत्साह से आ रहे हैं, हम नेशनल इंडियन लोकदल के साथ हैं, हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी रहे हैं, अभिषेक के साथ भी रहे हैं, हमें इस पार्टी से बहुत गर्व है, यह एक गरीब का मेरा मजदूर की पार्टी है, क्योंकि हर भी जो भी कार्यक्रम कराओ गरीब मजदूर पार्टी के लिए किया है, नौकरी देने का काम इनकी किया, पेंशन बनाने का इनकी काम किया, टोकन टैक्स तोड़ने का इनकी काम किया, क्या नहीं किया, जो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इनकी नहीं किया, इसी ने किया। अबे सिंह वर्गा तो सच्चा पुरुष कहीं नहीं मिलेगा किसी पार्टी में भी, जुबान का धनी है। आज चाहे रणजीत चौटाला की बात की जाए या दुष्यंत चौटाला की, वो भी कह रहे कि हम चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और अभय सिंह जी, आपको क्या लगता है सच्ची उनकी विचारधारा को आगे कौन बढ़ा रहा है? अभय सिंह बढ़ा रहे हैं उसकी विचारधारा को, रणजीत तो कल आजाद उम्मीदवार था, दो घंटे में टिकट लेके आ गया, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, उधर कांग्रेस के पास एक कैंडिडेट लेके जमुई जिंदल को कुरुक्षेत्र से उतार दिया, बीजेपी के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, ये तो इसे नर्सरी से लकड़े हुए पौधे हैं सारे जो बड़े हो गए, इनके पास है ही नहीं, के पास कुछ नहीं है, अभय सिंह का कोई मुकाबला नहीं है कहीं। आप कुछ कह रहे देता हूँ जी? मैं कह यू चौधरी रणजीत सिंह तो देवीलाल की पीठ में छुरा गपोया है, ये तो पहले भी किया है इसने, काम को नया थोड़ा है कि इसकी तो हर बार किया है काम, पार्टी को तोड़ने का, पहले ओम प्रकाश को मुख्यमंत्री बनागा जब भी नारा कूद था जी, तो बहुत कुछ किया है, तो बंदर आड़ी उछल कूद राखी इतनी, और कोई काम नहीं किया, किया क्या कर दिया इतनी, तो इतने इतने लंबे पर्चे बना बना भेज दिए बिजली मंत्री था, किसी का गरीब का एक लट्टू से रहा उसका 10,000 का बिल, 10,000 पुलिस ने ठगे, 10,000 बिजली बोर्ड में भरने पड़े, यू काम किया इतने मंत्री ने, तो यू किसानों का भला कराए के, किसानों के एक एक टेबल पर लाख लाख दो दो लाख रुपये का बिल आ रहा हो, कौन भुगतगा, जमीरा जमींदार आदमी भुगत सकेगे, जो दो किले का जमींदार हो उसका दो लाख की फसल को नहीं होती, 2,00,000 का तो उसका बिल आ गया, ये बिजली मंत्री था, इतनी सोची कभी यह बात, अरे भाई किसान है गरीब है मजदूर है, हालांकि वो तो मंत्री है, मंत्री तो सब कुछ कर सके है, मन्ना बना के दिखा दे मंत्री जी एक भी बिल गलत आ जाए, एक यूनिट का रुपया एक ऊपर आ जाए, तो आपको लगता है कि जब ये मंत्री थे तब इन्होंने सही काम नहीं किया, फेलियर रहा इनका? हाँ फेलियर, ये फैल है, भी फैल है, ये आगे ही फैल रहा है, ये भी फैल है, उरे भी कुछ नहीं थी।
बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ जी, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, अब आगे आओ, कोई बात नहीं, बताओ बताओ आप। इसका तो टग अच्छा कर देंगे भैया, इसका पक्का टग्गा करेंगे, सारी उम्र याद रखेगा, ऐसा टग्गा करेंगे इसका। हाँ, बढ़ना गांड बांध देंगे इसका टाल, यो आपे खुड़का मुड़ जा रहा जी, कोई बेरा नहीं पटेगा क्या आप कुछ निशाना मछली क्या एक्स है। अब न चश्मा बजतावांगे, सारे मारा लो फैल है, ये सच्चा जबान का और दुख सुख का देसी। तो एक फोन तो अब एक बकरवाले चोरी साहब पे, अरे एक रणजीत बकरवाले तो सरकार में बैठा हुआ, मैं करवाऊंगा चौधरी अभी, मजाक कौन सा काम बनेगा। मतलब आज भी वो अधिकारियों से काम करवाने में बिल्कुल करवाने में तैयार है वर्कर के लिए। इस वर्गा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वर्गा रहे वर्ग आदमी नहीं होना, मतलब छः महीने ग्यारह दिन पूरा पैदल यात्रा हमारा तुरता फुर्ती परिवर्तन यात्रा चली। हाँ, पुरता पूरा इस वर्ग आदमी ने सुनिए ना, अच्छे वोटा दे देता है कि ले आवा तो आज। हाँ, मेरा नंबर ले ले, से नाम पूछ ले, गांव पूछ बता दो, रमेश है गांव बास से पन्ना खुरद है, जो हमारा कार्ड तोड़ांगे, बूथ की लड़ाई हम लड़ांगे। ठीक है, बूथ पर जो सही वर्कर जीता होगा तो आपको कैंडिडेट जीतेगा। लोकसभा चुनाव चला हुआ है, इनेलो पार्टी भी पूरी तैयारियों से जुटा हुआ है, उधर से एक परिवार से तीन लोग आने की संभावनाएं हैं, दो तो मैदान में आ ही चुके हैं, उधर से जेजेपी भी लेकर तो नहीं जिक्र तो अब जब चुनाव चलेंगे तो सर जो भी आएगा होगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार के समीकरण बनेंगे? इसमें परिवार नहीं देखा जाता, इसमें चोरी देवीलाल की नीतियाँ देखी जाती हैं, और चोरी देवीलाल की नीतियाँ का अनावरण कर रहा है सिर्फ अभय सिंह चौटाला, क्योंकि चौधरी देवीलाल का नाम लेके तो दुष्यंत भी आया था, सारा देश ने लूट ले गया, वर्करान लूट ले गया, ऐसे हमें उस परिवार से मतलब नहीं है। उसमें चौधरी देवीलाल की नीतियाँ का पालन कौन कर रहा है? वो पालन कर रहा है चौधरी अभय सिंह चौटाला। चौधरी देवीलाल का काम था किसानों का भला करना, मजदूर का भला करना, गरीब की सुनवाई करना, वह सारे गुण चौधरी अभय सिंह चौटाला में है, चाहे समाज की बात हो, चाहे किसान की बात हो, या आम आदमी की बात हो, ये वर्कर की बात नहीं है। आप परेशानी बता, आप जाओ एक बार अभय सिंह के पास, वो कुछ भी नहीं है, एमएलए है सिर्फ, आप जाओ जी मेरे ये परेशानी है, आपकी परेशानी एक मिनट में हल करेगा। राजनीति में इससे बढ़िया और इससे सुनने वाला आदमी और कोई है नहीं, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, इस परिवार से नहीं, चाहे दूसरी पार्टी हो, दूसरी पार्टियां उड्डा है, किसके काम क्या है वो, ना समाज का ना किसान का, किसान आंदोलन रहा, उड्डा का नाम सुने आपने कभी, और किसका, अभय सिंह का, जो पूरे हिंदुस्तान में 4200 एमएलए में एक एमएलए जो अस्तित्व एक किसान के बीच में बैठ गया, और जब तक बैठा रहा जब तक किसान नहीं जीते। तो ये है नेता, ये पार्टी और परिवार से नहीं, सिर्फ उनकी नीतियाँ, देश के लिए नीतियाँ चौधरी देवीलाल की थी, चौधरी देवीलाल की नीतियाँ की वजह से आज हमारे बुजुर्ग चाहे 80 साल का हो 85 साल का हो चोरी छाती करके चलता है, क्योंकि बिना दें उसकी जेब में जो 3500-3000 जो आ रहे नहीं, वो चौधरी देवीलाल की देन है। तो 5100 रुपये भी करवाने की बात की गई। हाँ, ये तो एक झूठा की थी, ये तोतड़ा की थी, जो हमने भी लूट ले गया, हम भी बेकूम बना दिए थे, चले गए थे, भाई चोरी देवीलाल का खून है क्या मेरा, इसमें खून नहीं पानी है इस आदमी में, इसने धोखा दिया था। अब 5100 की बात कर रहे हो आप, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री ने 7500 रुपये होगी, 7500 रुपये बूढ़े की पेंशन होगी, महिला के लिए एक सिलेंडर फ्री होगा हर महीने का 1100 रुपये, उसके लिए चूल्हा का लिए जो खर्चा दिया जाएगा, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी, नौकरी की बजाय उसको मुआवजा जो जो मिलता बिन मंथली 21000 रुपये वो मिलेगा। इस राज में गरीब मजदूर किसान सबको फायदा होगा, और सब लोगों ने सोच लेना चाहिए, और देख लिया अब 10 साल में 5 साल में निखर के आ रहा है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब, बताएं। हम तो ये कह रहे हैं जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश की ये दबक लीडर है, क्योंकि ये एक मदारी है, झूठ बोल के वोट ले गया, मानस था गुजरात का, दुख हो रहा है आज मैंने इस एक बात का, गली गली में चोर है, चौकीदार भी चोर है, राम नाम की लूट है, लूटी जी तो लूट, तीन मोदी भागे चौथा बोल रहे, ये झूठ, ये सब झूठ बोल रहे। दबक लीडर चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ में रहेंगे, जो ताऊ देवीलाल ने माल माफ़ किया, गरीब किसान की पेंसिल, बुढ़ापों की पेंसिल की, सब काम जो चौधरी देवीलाल ने किए। आज जो हम सब्सिडी खाद की, खाद 50 किलो का कट्टा मिलता था, आज हमारे को 45 किलो का मिल रहा है, अभी क्या कर सके हम, तो अभय सिंह चौटाला के साथ में है, हम तो अभय जी चौटाला के साथ में रहेंगे। कनक नहीं बोई हमारी तो, जो खाद का रेट घटा दिया, वजन घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, वजन घटा दिया, और फिर भी हमने जरूरत पर मिला नहीं, हमने बोने के लिए खाद नहीं मिल रहा, थाने में लग लग लुगाई जाए कि खाद ले आई है, ये सरकार की धोख मारनी है कि क्या करना इसका। अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, एक चीर काट दी जैसे कबड्डी में पलंटी की काटी जावे,
450 विधायक है, किसी ने इस्तीफा दिया, हर व्यक्ति ने यह कहा मैं किसान गल्ला हूँ, अरे तू इस्तीफा दे दे काम के कह रहे बोला चलती को नहीं, फिर और आधार ले तू घर बैठ जे हम नान दे उरे मारी चलेगी। अभय सिंह का कोई मुकाबला नहीं, अभय सिंह एक दबंग लीडर है, लीडर दबंग भी होना चाहिए, उस लीडर की भी जरूरत नहीं, तुम सहारा दौरा खड़ा रहे ऐसी की कोई जरूरत नहीं होती। अभय सिंह सत्य है, अगला मुख्यमंत्री अभय सिंह सरकार बनाओगा मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनेलो के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं न कहीं ये मान रहा है कि यहाँ से जो लोकसभा की सीट है वो भी इनेलो पार्टी जीतेगी और विधानसभा के अगर आगे जो चुनाव होंगे उसमें इनेलो की सरकार बनेगी और अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। आप देख सकते हैं खास करके हमने उन बुजुर्गों से बात की जो चौधरी देवीलाल के साथ काम कर चुके हैं, जिन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। अपने सहयोगी के साथ अनुप कुंडू, रवि पथ, हिसार।